पूरा देश उरी में आतंकी हमले के बाद से गुस्से में है और शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लिए दुआएं मांग रही है। राज्य सरकार और सेना भी फौरी तौर पर हर संभव मदद शहीद हुए सैनिकों के परिवार को पहुंचा रही है। हर राज्य अपने शहीदों के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद दे रही है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसी भी है जिन्होंने उरी हमले में शहीद हुए जवानों का अपमान किया है। जब जनता के भरोसे से जीत कर ममता बनर्जी सत्तासीन हुई थी तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो शहीदों का इस कदर अपमान करेंगी। ममता बनर्जी ने शहीदों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर जवानों की शहादत का घोर अपमान किया। बंगाल सरकार ने सबसे कम मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नज़र में देश के लिए शहीद होने वालों और शराब पीकर मरने वालों में कोई फर्क नहीं है। यही नहीं, उनकी नज़रों में शहीदों से अधिक हज करने के दौरान मक्का में मरने वालों का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि कुछ साल पहले ममता बनर्जी ने मोगरा में अवैध शराब पीकर मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और बंगाल से हज करने मक्का जाने वालों की मौत होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए थे। ममता बनर्जी ने शहीद ओमकारनाथ दोलोई और गंगाधर दोलोई के परिवार को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए दिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक चेहरा किस तरह हावी है, जो ये तक नहीं देख पा रहा है कि जो शहीद हुआ है वो देश के लिए शहीद हुआ है।